हाउ बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे बच्चों हम गणित की दुनिया किताब का चौथा पाठ कर रहे थे जिसका नाम है धन यानी कि करेंसी तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रायोगिक क्रिया उपदेश कागज के सिक्के बनाना सामग्री असली सिक्के रंग पेंसिल अब इसकी विधि क्या है सबसे पहले कोई भी सिक्का लो नंबर दो सिक्का कागज के नीचे रखो और कागज को कस कर पकड़ो रंग या पेंसिल को कागज पर घिसाओ ताकि सिक्के की आकृति कागज पर बन जाए अब सिक्के का दूसरा पासा रखकर फिर रंग या पेंसिल साथ ताकि सिक्के की दूसरी तरफ का या दूसरे तरफ की आकृति बन सके पांचवा अलग, अलग अलग रंगों के प्रयोग से अलग अलग सिक्के बनाओ तो मान लीजिए ये एक का सिक्का है आपने क्या करना है कागज पकड़ना है और कागज के नीचे सिक्के रख देने और आराम से पेंसिल उसके ऊपर घिसानी है पहले एक तरफ घिसानी है फिर सिक्के को उल्टी तरफ को लेकर दूसरी तरफ की भी उसके ऊपर पेंसिल घिसानी है उससे आप सिक्के का ऊपर वाला और पीछे वाला हिस्सा दोनों पेपर पर ले सकते हैं तो बच्चों यहां पर एक का सिक्का ऐसे करके दिखाया हुआ है आप लोग अपनी कापी पे भी ऐसे दो का सिक्का पहले ऊपर की तरफ को जो है हिस्सा वो पेपर के नीचे रखेंगे फिर उसके ऊपर पेंसिल या रंग आराम से घिसाएंगे उसके बाद उसको उल्टा कर उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो पेन आ, पेन से घिसाएंगे जब आप उसको पेपर के नीचे रख देंगे उसी प्रकार यहां पर है पांच का सिक्का पहले सीधी तरफ पेपर के नीचे रखकर उसको घिसाना है और फिर उल्टा कर कर उसकी दूसरी तरफ को भी घिसाना है ऐसे ही बच्चों दस का सिक्का पहले ये ऊपर वाली तरफ यहां पर घिसाएंगे और फिर उसकी उल्टी तरफ कर कर पेपर के नीचे डालकर वो वाली तरफ भी घिसाएंगे आगे लिखा गया है वर्कशीट सिक्कों और नोटों का उसके मूल्य अनुसार मिलान करो चलिए देखते हैं ये है बच्चों हमारे को एक करके दिया हुआ है दस रुपए का सिक्का तो नोट और दस रुपए के साथ रकम के साथ उसको जोड़ा हुआ है अब ये कितने का है देखिए पचास का नोट है तो इसे हम पचास के साथ जोड़ देते हैं बीस का है बीस के साथ जोड़ देते हैं पांच पांच के साथ और ये है बच्चों दो का सिक्का और इसे हम दो के साथ जोड़ देंगे आगे लिखा गया बच्चों दी गई वस्तुओं का मूल्य अनुसार मिलान करो अब यहां पर मूल्य लिखा हुआ है हमें मिलाना है तो यहाँ है बच्चों दो रुपए की पेंसिल यहाँ मूल्य लिखा है दो रुपए अब दो रुपए का सिक्का है नोट कहाँ है ये रहा दो रुपए दो रुपए का सिक्का बीस रुपए की बॉल अब बीस रुपए कहाँ है ये रहा नोट दस रुपए की रंग वाली पेंसिल ये रही बच्चों दस रुपए का नोट और पांच रुपए की रबर और ये रहा पांच रुपया ठीक है बच्चों आसान था आगे बढ़ते हैं आगे लिखा गया है सिक्को नोटों का जोड़ करो और लिखो यहां पर लिखना है सिक्कों को जोड़ के या नोटों को जोड़ के चलिए देखते हैं एक रुपए का सिक्का दो रुपए का दो रुपए का मिलकर कितना बना एक दो तीन चार पांच कितना मूल्य आया बच्चों पांच रुपए अगला दो रुपए का सिक्का पांच रुपए का सिक्का एक रुपए का सिक्का और पांच रुपए का नोट दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये आ गया बच्चों तेरह उत्तर तेरह रुपए। उसी प्रकार दस दस रुपए का नोट दो रुपए का सिक्का दो रुपए का सिक्का कितना आया दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह रुपए यहां लिख दिए चौदाह दस पांच का नोट और पांच का सिक्का दस में पांच जोड़े ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह उसमें पांच जोड़े सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये रहा बीस और यहां हम लिख देंगे बीस रुपए ऐसे ही सिक्कों के समूह के आगे सही का चिन्ह लगाओ अब हमें कितने का समूह है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना यहाँ दिए हुए दस रुपए। अब ये दस रुपए कैसे बनते हैं देखते हैं ये रहा एक दो का सिक्का दो का दो का चौथा भी दो का फिर दो का कितना बनता है देखते हैं दो और दो चार चार और दो दो सात आठ आठ और दो दस ये बन गया बच्चों दस हमने सही का चिन्ह लगा दिया अब इसका भी करके देखते हैं कितना बनता है एक दो का सिक्का दूसरा दो का सिक्का तीसरा दो का सिक्का चौथा दो का सिक्का और एक एक का सिक्का कितना बनता है दो और दो चार चार और दो छे, छे और दो आठ आठ और एक नौ तो ये बनता है नौ हमें तो चाहिए दस अब हमें बनाना है पांच एक का सिक्का दूसरा एक का तीसरा एक का चौथा एक का और पांचवा भी एक का सिक्का कितना बन गया पांच रुपए बन गए ये कितने हैं दो का दो का दो का दो और दो चार और दो छ नहीं हमें तो पांच चाहिए अब बनाना है बच्चों हमें बीस पीस कैसे बनेगा पांच का सिक्का पांच का दूसरा पांच का तीसरा पांच का चौथा और एक दो का कितना बना पांच और पांच छ सात आठ नौ दस दस और पांच ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह और पांच सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस और दो इक्कीस बाईस ये बन रहा है बाईस हमें चाहिए बीस ये है बच्चों दस और दस दस और दस को जोड़ा तो बन जाता है बीस इस पे हमने सही का निशान लगा दिया आगे लिखा गया है एक रुपए से बढ़कर दो पांच दो से बढ़कर है जी पांच पांच जोड़े पूरे बने दस 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 जुड़ बनते बीस जी बीस से अधिक पचास होते हैं बताओ इसमें जुड़ना क्या है जी तो अब यहाँ पर लिखा गया बच्चों यहाँ है एक रुपए से बढ़कर दो पांच दो से बढ़कर है जी पांच पांच जुड़ पूरे बनते दस 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 जुड़ बनते बीस जी क्या दस दस जोड़ के बीस बनते हैं जी हाँ आगे बीस से अधिक पचास होते हैं ये रहा बीस और ये रहा पचास जी हाँ बड़ा पचास है बताओ इसमें जुड़ना क्या है जी अब बीस से अगर मान लीजिए बोला जाए पचास तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी बीस में तीस जोड़ दूंगी और उत्तर आ जाएगा पचास आगे है याद रखने योग्य बातें भारतीय धन करंसी रुपए और पैसे में होता है हमने जो सीखा धन मुद्रा नोटों और सिक्कों की पहचान की छोटी राशियों का जोड़ किया कागज और गत्ते के नोट सिक्के तैयार किए जी हाँ आपको याद होगा हमने पेपर के नीचे सिक्के रखकर उसकी सीधी और उल्टी साइड को घिसाया भी था ठीक है बच्चों तो ये था आज का पाठ इससे हमने चौथा पाठ खत्म कर लिया है बच्चों अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखिए